हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुराग ठाकुर। तो यार, आज की ये वीडियो स्पेशली होने वाली है फॉर JEE स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे कुछ टॉपिक्स के बारे में जिसको लेके स्पेशली स्टूडेंट्स डायलेमा में रहते हैं। इस वीडियो में हम स्पेशली JEE काउंसलिंग के डूज एंड डोंट्स पे बात करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस तरीके के कंटेंट को रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो सबसे मेजर टॉपिक है, जो सबसे मेजर इश्यू है स्टूडेंट का, वो है कि हमें इस रैंक में कौन सा कॉलेज मिलेगा। सपोज किसी का रैंक जो है वो 2.25 लाख है, वो उस रैंक में भी ऑलरेडी वो बच्चा नर्वस हो चुका है। अब वो सोचे जा रहा है कि कौन से कॉलेज में क्या ब्रांच मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक बता दूं कि अगर आप यहाँ पे नर्वस हो जाओगे, ठीक है, तो अगर आप जोसा की काउंसलिंग में 2.25 लाख में जो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन मिल सकती है, शायद आप वो भी ग्रैब करना छोड़ दोगे, भूल जाओगे। नर्वसनेस आपको कुछ भी करा सकती है। तो यहाँ पे आपको नर्वस नहीं होना है। अगर 1.5 लाख रैंक है, 2 लाख रैंक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन अभी हैं आपके पास, जो कि आप जोसा काउंसलिंग में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, कट ऑफ आपको स्टडी करना होगा। पहले प्रीवियस ईयर्स की आपको जो है कट ऑफ निकाल के देखनी होगी, जो भी कॉलेज को आप टारगेट रखे हुए हो। स्पेशली अब बात अगर हम करें जिन बच्चों का रैंक कम है, जैसे 2.5 लाख है, 3 लाख है, वो या तो ड्रॉप ले रहे हैं अगर उनका प्रिपरेशन है IIT NIT को लेके। बट सजेशन मेरी ये रहती है कि अगर ड्रॉप नहीं लेना है और अगर वो उनका ठीक ठाक बजट वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो और अगर वो एम कर रहे हैं टॉप के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए, जिनका जो एवरेज पैकेज है वो NIT को टक्कर दे रहा है, तो वो जरूर मैनेजमेंट कोटा एडमिशन को भी देख सकते हैं टॉप के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में। क्योंकि अगर वो लास्ट के राउंड तक काउंसलिंग का वेट करेंगे तो शायद वो अपॉर्चुनिटी भी उनके हाथ से छूट सकती है। ठीक है, अब देखो मैनेजमेंट कोटा में क्या एडमिशन कैसे क्या रहता है, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां उसको फॉलो कर लेना। वहां पर आपको इन सारी चीजों से रिलेटेड डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब वापस आते हैं काउंसलिंग पे। एक बहुत ही मेजर इशू है, वो ये है कि अगर आपसे काउंसलिंग में कोई अपने डिटेल गलत भर दिए तो उसको करेक्ट कैसे करें, इस चीज को लेके तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो JEE की तरफ से ही एक करेक्शन विंडो खुलता है, आप वहां करेक्शन विंडो में जाके अपनी चीजों को सुधार सकते हो। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन इनवैलिड चली गई है, तो वहां से आपको JEE की तरफ से एक मेल आता है जहां पर डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ता है, जिसमें आप बताते हो कि ये चीज आपने बाय मिस्टेक फिल कर दी थी। ठीक है, फिर वो चीज करेक्ट हो जाती है। तो ये बिल्कुल ही छोटी सी इशू है, यहाँ पे आपको बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना इस चीज पर। ठीक है, अगर ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने सोचा आप तक जरूर शेयर करूं। एडमिशन से रिलेटेड किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर फॉलो कर लेना। सो होप यू ऑल लाइक द वीडियो, मेक श्योर लाइक एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।